अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। देखेंगे एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें कि एक सर्कुलर लूप है, कंडक्टिंग लूप, उसको एक डायमीटर के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराया जा रहा है। यहाँ पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है ना। तो ये एक डायग्राम है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, बाकी जो है हम लोग पढ़ करके समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वाइल ऑफ रेडियस आर रोटेटिंग अबाउट अ डायमेट्रिकली एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप्ड। ठीक है, तो ये जो क्वाइल है ये रोटेट कर रहा है, तो उसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना डेवलप होगा ये हमें फाइंड करना है। जो क्वाइल है उसका रेडियस दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड दिया गया है 0.4 सेकेंड, और जो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू दिया गया है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक, तो हमें पता है कि जो क्वाइल है उसके थ्रू फ्लक्स होता है बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अगर हमें ईएमएफ निकालना है तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगा रहा हूँ, केवल हम लोग ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा बी ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा इंटू थीटा का डी थीटा बाई डी टी, है ना। तो मैं ईएमएफ का जस्ट मैग्नीट्यूड देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर मॉड लगा देता हूँ, है ना। तो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये आएगा बी ए इंटू ओमेगा, जो डी थीटा बाई डी टी है ना, इसको मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन, जिसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन थीटा। थीटा जो है इसको मैं ओमेगा टी लिख सकता हूँ। ठीक है, जो थीटा है, अगर ऐसे कहा जाए कि डी थीटा बाई डी टी, अगर ओमेगा है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन करने से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आएगा। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में एस इज इक्वल टू वी टी होता है, उसी तरह से रोटेशनल मोशन में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो जाता है। ठीक, अब ये जो ईएमएफ है इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब साइन ओमेगा टी का जो वैल्यू है ये मैक्सिमम हो, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है, 1। तो मैक्सिमम ईएमएफ जो है, या मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम जो वोल्टेज है, वो आएगा बी ए इंटू ओमेगा। ठीक है, तो बी जो है वो देखेंगे यहां पर दिया गया है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक, रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो मैं एरिया निकालूंगा पाई आर स्क्वायर करके, पाई आर जो है 10 × 10⁻²² का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो टाइम पीरियड है 0.4, तो ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ओमेगा होता है 2π/T, है ना। तो 2π/ जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग रख देंगे 0.4। तो इसको हम लोगों को सोल्व करना होगा, पाई स्क्वायर जो है वो 10 के इक्वल होता है ना। तो 5 × यहाँ पर देखेंगे पाई है, पाई स्क्वायर वो 10 हो जाएगा, इंटू 2, फिर यहाँ भी 10 है, या इसको मैं कह सकता हूँ 10⁻¹ का स्क्वायर है तो 10⁻², और ये -5 ये हो जाएगा इतना, डिवाइडेड बाई 0.4 ये हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 10⁻¹ डिवाइडेड बाई 0.4। तो ऐसा कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 4 × 10⁻¹। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2.5 × 10⁻⁵। तो देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन है ये ऐसा ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन।